मैंने पूछा उनको कि डैड कार कब ले रहे हो, डैड पहले मुझे देखे कुछ बोले नहीं। द कार मतलब जो BMW मैंने जो पूछा था बोले कि इट्स रियली एक्सपेंसिव आई कांट अफोर्ड इट। सो वो चीज़ मुझे बहुत लाइक दिल पे लग गई थी कि मेरे डैड ऐसे कैसे बोल रहे हैं। बराबर, क्योंकि मेरे डैड ने वो इनिशियल टाइम पे मुझे हेल्प किया राइट। अगर मुझे वो डिवाइस नहीं देते आज मैं यहाँ पे नहीं रहता राइट। मतलब एक भी कार ओनली की है, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार। मेरे पेरेंट्स खुश रहे, अगर वो खुश तो मैं खुश, वरना लाइक फिर क्या ही फायदा है। कल को बहुत टाइम से वो गाड़ी चाहिए और अंकल ने बोला भी है, तो बोला आज भी। आज उनका एक्सप्रेशन देखना है। ए जाने उठ तुम्हारी खुल एक बार, आज तो बहुत एक्साइटेड मजा आने वाला है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वापस से आज बहुत जल्दी उठ चुका हूँ क्योंकि आपको ये पता है आज क्या होने वाला है। आज सुपर सुपर एक्साइटेड हूँ मैं, लिटरली नो वर्ड्स, मतलब वर्ड्स ही नहीं करने वाली है मुंह से, बट मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ वो मोमेंट का जब मेरे डैड मॉम और खैर वो चीज़ देखेंगे। बट आई एम जस्ट वेटिंग कि जल्द से जल्द जाए और उसे अनफोल्ड करें। एंड रही बात तो आपको छोटा सा ये दूंगा कि ये हम लोग के फैमिली का फर्स्ट कार होने वाला है, क्योंकि ये अभी तक हम लोग के फैमिली में एक भी कार ना डैड ने परचेज किया है, ना मॉम ने, ना बहन ने। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट कार, सो सुपर एक्साइटेड आगे क्या होने वाला है। सो देखते आगे क्या होगा। सो अपने मोहसिन भाई हैं अपने साथ जो कि मेरे बाल बाल सब वो देखते हैं। सो हेलो मोहसिन भाई, आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो, अपना ही है, आ जाओ। तो गाइस ये है मोहसिन भाई जो कि अपने बाल काटते वगैरह शाइन सब करते। तो अभी भाई मुझे एकदम भारी सेट तैयार होता है, एकदम तुम्हारा फंकी लुक। तो गाइस अभी अपन कॉल करते हैं डैड को, ठीक है। मैं तो तैयार हो रहा हूँ बट देखना पड़ेगा ना डैडी तैयार हो रहे कि नहीं हो रहा। देखो तो मैं तैयार हो गया, डैडी बैठे हुए घर पे तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा। हेलो मामा, डाडा से हाय, व्हाट्सअप व्हाट्सअप, यू रेडी, यू रेडी, हाँ ओके okay, I went to the bank, yeah? So what you wearing today? What you wearing black, today? Black and blue. Full, yeah? You should look, wear such thing that you should look like Jonathan's dad, okay? Ekdam khatarnak sir. So, you're going to the, just now you came home, kya? Na, mama is going out there. Okay. What's up? How? Nothing. You're ready? No, we are ready. You are ready? Yeah, I'm so ready. I'm waiting for you all only. Oh my god, we are so excited. Wear something, you know, ekdam. You should look like, you know, Johnny's mom, ekdam. Because it's a big meeting, na? Okay. So wear something great, must ekdam. And you to play ice cream for us 1 o'clock? Haan, I'll tell Shantanu to book it, na? Okay. Yeah. Okay. Bye. See you soon. Bye. भाई ये लोग तैयार नहीं हुए और मैं इधर तैयार हुआ। बाल तो हो गया जोनी, अभी कपड़े का क्या? कपड़ा तो अभी, बट बाल कैसे लग रहे मेरे को वो बता दो। सेक्सी बना रहे हो जी? ओ जी गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि अभी फटक से कपड़े पहन लूँ, ये कपड़े में तो नहीं जा सकता, तो थोड़ा फटक से चेंज कर गया, ठीक है भाई। बहुत महंगा ट्रांजिशन है भाई, देख गुच्ची नीचे बैलेंस क्या आगा भाई, बैग देख क्रिस्टियन डियोर। गाइस तैयार हो चुके हैं अपन, तो ये होने वाला है आज का आउटफिट अपना। तो मुझे बताओ कैसा है, सेक्सी लग रहे कि नहीं भाई, सेक्सी लग रहे क्या लग रहे कि नहीं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, मेरा वेट करने का मन नहीं कर रहा, चलो लेट्स गो, आ जाओ रे, लेट्स गो, आ जाओ।
वो सो गाइस फाइनली तैयार हो चुका हूँ मैं। अभी टाइम हो चुका है कार की डिलीवरी लेने का। मेरा मतलब मेरा मन कर रहा है अभी फटक से शोरूम तक निकल जाओ, बट देख रहा ना ये डिले कर रही है सब। जैसे लोग डिले कर टाइम पे भाई, मैं टाइम पे। सो बट गाइस आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि लाइक इसके पीछे बहुत एक स्टोरी है, आपको बताऊंगा स्लोली बाय स्लोली। तो ऐसा था कि जब मैं घर था, ऐसे एक कार का टॉपिक आ गया घर में। मतलब मैंने पूछा उनको कि डैड कार कब ले रहे हो, तो ऐसा हो गया था कि डैड पहले मुझे देख के कुछ बोले नहीं, फिर बोला कि डैड क्या हुआ। तो डैड बोलते कि सन, मतलब मुझे लेकर ऐसे पकड़े सोफा पर बिठा, बोला कि सन लिसन, मतलब द कार, मतलब जो BMW मैंने जो पूछा था, बोले कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव, आई कांट अफोर्ड इट। सो वो चीज़ मुझे बहुत लाइक दिल पे लगी थी कि मेरे डैड ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे डैड ने वो इनिशियल टाइम पे मुझे हेल्प किया, राइट। अगर मुझे वो डिवाइस नहीं देते आज मैं यहाँ पे नहीं होता, राइट। बात तो सही है, गुड बाय। फिर वही टाइम डैडी बहुत मतलब इज वेरी, मतलब जो चाहिए पहले ना बोलेंगे, फिर उसके जस्ट थोड़े वीक्स बाद ही दे देंगे। पता है मेरे डैड अभी तक वो स्कूटी चलाते, मतलब एक भी कार ओन नहीं किए, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कार। तो पता है जब मैं स्कूल भी आता था, स्कूल कॉलेज से नहीं, स्कूल, मुझे स्कूटी पे छोड़ने आते स्टार्टिंग से, ठीक है, छोड़ने भी आते थे एंड लेने भी आते थे। कॉलेज का नोटिस है, कॉलेज तो नहीं, कॉलेज तो नहीं गया, कॉलेज पहुंच रहा नहीं क्योंकि यहीं से पढ़ाई कर रहा है। सो मतलब लाइक क्या ही बोले यार, मिक्स्ड रियली इमोशंस आर रियली लाइक, अभी कुछ भी चल रहा है मेरे दिमाग में, आई कांट एक्सप्लेन इट। मतलब मज़ा, इतना तैयार हूँ ना मैं, मतलब कुछ भी अभी चल, भाई चल लेट्स गो। सो अभी कमल जाने वाला मेरे घर मॉम डैड और बहन को उठाने, सो इसका हाँ तो मतलब पिक कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं, कैसा समझता नहीं है, चल मैं पिक करने वाला है। सो तू निकल जा ब्रो, चलो ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ आओ, इसका कोई और रहेगा, चलो पता है मेरे से ज़्यादा तो क्रॉन्टिंग खुश लग रहा है, बट मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट अंदर से मैं लिटरली बहुत खुश हूँ एंड एक्साइटेड हूँ बहुत। अंकल को बहुत टाइम से वो गाड़ी चाहिए और अंकल ने बोला भी है, तो बोला आज है। आज उनका एक्सप्रेशन देखना है कुछ भाई। फर्स्ट मेरा भाई मेन फोकस ये है कि मेरे पेरेंट्स खुश रहे, अगर वो खुश तो मैं खुश, वरना लाइक फिर क्या ही फायदा है। अगर पता है अगर कल मेरे डैड बोलेंगे अगर मेरे को एक घर चाहिए, मतलब कुछ भी एक बंगलो या कुछ भी चाहिए, मैं कल जाके उनको दे दूंगा, तो उनके लिए मतलब कुछ भी यार, पेरेंट्स है तो मैं हूँ, वरना मैं नहीं हूँ, सिंपल चीज है। मैं पीछे बढ़ जाता हूँ, आप आगे बढ़ जाओ। हाँ अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं, हम लोग तो रात को बैठ के ये सोचते थे भाई क्या रह सकता है, क्या रह सकता है, क्योंकि अगर ये अगर कोई एड कमर्शियल रहता है तो फिर हम लोग कुछ कर सकते हैं ना, कि पूछ सकते कि भाई क्या हो रहा है, कि किसके लिए वो उसका आई स्पोर्ट्स का अवार्ड सेरेमनी नहीं आंटी, मैं पहले बता रहा हूँ। डोंट सी ओके ओके दिख रहा तो नहीं है, अच्छे से ठीक है, अभी पूरा फेस ही ढक लिया है। कार ये होने वाली है, ठीक है, अभी तक डैड आए नहीं है, तो डैड मॉम एंड मेरी बहन ऑन द वे है, सो आते रहिए। सो दिस इज द कार, दिखा दो एक बार उनको, ऐसा वहां एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, ही इज टेकिंग एक्सक्यूजेस। Yeah. Aunty, yeah. Please help yourself or I'll do that. Uncle. This is the second key. This is going to be my father's only. So both the keys will be in the room. Again, hand over it. When we use the second key, basically this will fit the house, obviously. Okay. You know, it's like a additional one. Mm-hmm. Just in case something goes wrong with the first key. Okay. This is the second key. Yeah. कोई एक्टर आ रहा भाई वही बता दे मेरे को कौन है, इतना कुछ नहीं। थैंक यू, अभी आज के टाइम पे तो अभी उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं है, अभी गूज़बम्स आ गए। बस अंकल ये ना, ये तो मेरे को पहले से ही पता, मॉम डैड और मेरी बहन आ चुके, सब लोग अभी फिलहाल ब्लाइंड फोल्डेड है, उनको लिटरली जीरो आइडिया है। मैंने उनको बोल के रखा कि एक बड़े से मीटिंग में जा रहे हैं, सो तैयार, मतलब वैसे तैयार होना, लिटरली गाइस देखो कार में देख सकते हो सब। मैं इसको ये
स्टेज नहीं है ना? नहीं नहीं, वो तो आप सी एनीथिंग अंकल, डोंट वरी आंटी, स्टेयर से ऊपर पैर करो मजाक कर, मजाक कर, ये समझ सामने। इट्स अ सिंपल गेम, इट्स मतलब वेरी इजी। जैसे मींस आई रिमूव द फोल्ड फ्रॉम माय आई, यू हैव टू टर्न अराउंड। ओके ओके, रेडी रेडी रेडी, यस, 1 2 3 हेलो, he asked like came to me that you have to turn around, so you have to just turn around. गाइस पता है मैं गया अंदर बात करने की कोशिश किया, बट डैडी के मुंह से डैडी के मुंह से लिटरली नो वर्ड, मतलब शॉक हो गया। तो रियली हैप्पी यार, डैडी के देखो डैडी बहुत खुश है एंड मेरे मॉम और बहन खुश है, वही सब कुछ है मेरे लिए। एंड यही बोलूंगा कि आई लव यू अ लॉट मॉम डैड एंड सिस्टर, आई लव यू। यू नो हाउ टू ड्राइव राइट? नो, नॉट फुल्ली। फाइनली इतने महीनों की मेहनत, मतलब इतने टाइम से मैं जो प्लान कर रहा था वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है। सो आई एम सुपर हैप्पी। एंड गाइस सच बोलूँ ना, अगर जो चीज़ मतलब लाइक अगर मैं परचेज़ किया हूँ ना, जो खुशी मतलब खुशी होती ना, उससे ज़्यादा तो मुझे मेरे पेरेंट्स के फेस पे दिखी है वो खुशी। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच वन ऑफ यू गाइस जिन्होंने भी सपोर्ट किया है। यही बोलूँगा कि आज का डेट याद होगा मुझे फॉर लाइफ, मीन्स फॉर लाइफ टाइम, दैट्स 15 जून 2022। ठीक है, सो आई होप सो आप लोग को ये चीज़ पसंद हो गई। मुझे तो लिटरली आज का डे बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। सो लव यू गाइज, ख्याल रखना एंड गाइज हर बार याद रखना कि पेरेंट्स को खुश रखना। ठीक है, सो लव यू ऑल, टेक केयर एंड मेक श्योर टू ड्रॉप दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सो सी यू गाइज, लव यू ऑल। जिन्हें उंगली फड़ मैनू तुरना सिखाया है, मेरे पीछे उन्हें की नहीं गवाया है। तेरे सामने लोकी मैनू कहंदे सी नकम्मा, लै देख बापू तेरा पोता जट्टी वी ते आया है।